नमस्ते, यह है लल्लन टॉप और मैं हूं अभिषेक। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि कोलकाता में राजभवन की निगरानी की जा रही है, इसे सर्विलांस पर रखा जा रहा है। राज्यपाल साहब का कहना है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, किसी भी हाल में राजभवन की सर्विलांस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने भी ऐसा किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर्विलांस से जुड़ी एक लिस्ट राजभवन ने तैयार की है जिसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। इस मामले में गंभीर जांच की जाएगी ताकि जो सच्चाई है सामने आ सके। मैं हर वो काम करूंगा जिससे राज्य में लोकतंत्र मजबूत हो। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्य में जिस तरह से एमपी और एमएलए के खिलाफ केस लादे जा रहे हैं उससे वे काफी हैरान हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बंगाल ग्लोबल समिट के 5 कार्यक्रम हुए। मैंने बंगाल सरकार से पूछा कि कितने निवेश का वादा किया गया था और कितना निवेश हुआ, लेकिन बंगाल सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा राज्यपाल का कहना है। इससे पहले राज्यपाल ने 15 अगस्त को राजभवन में एक कार्यक्रम भी रखा था जिसका बुलावा जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची। इसके बाद राज्यपाल ने एक के बाद एक ट्वीट करके इस पर बड़ा दुख जताया। लिखा कि सीएम ममता बनर्जी और तमाम अन्य अधिकारी राजभवन में हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। इससे बाकी लोगों के साथ साथ मुझे भी काफी हैरानी हुई। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान दे दी उनका सम्मान के लिए आना चाहिए था, मेरे पास शब्द नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल प्रदेश की व्यवस्थाओं और ममता बनर्जी के राजभवन न आने पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन सब बातों पर अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई जवाब आना बाकी है। जाहिर सी बात है, वो जवाब आएगा तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये खबर, ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो घंटी बनी है बेल आइकन, उसे दबा देंगे तो हम जो भी वीडियो डालेंगे उसकी खड़ाखट जानकारी आपके पास आएगी। इसके अलावा Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।